हमने प्रोसीजर करना है, ठीक है। इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये पूरा जो ये एप्लीकेटर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे रॉड होती है वाइट कलर की, जो कि बेसिकली कैप्सूल होता है जिसके अंदर हार्मोन है, ठीक है, जो आपने प्लेस करना होता है। और ये पूरा जो है ये एप्लीकेटर है, ठीक है। ये आगे इसकी नीडल है, ठीक है, और कैनुला भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। ये जो पीछे वाला ये वाला पार्ट है इसको ऑब्चुरेटर कहते हैं, ठीक है। ये जो ये जगह ये ऑब्चुरेटर सील है, ठीक है, इसको ब्रेक करके रखते हैं, ठीक। इसका जो प्रिंसिपल है वो कैनुला से ऑपोजिट होता है। कैनुला में आप आगे पुश करते हैं, इसमें आपने पीछे की तरफ स्लाइड करना होता है, ठीक है। अब इसमें करते हैं क्या, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 2-5 डेज के ऊपर रखना होता है, ठीक है, और आपने नॉन डोमिनेंट आर्म में रखना है, बाइसेप और ट्राइसेप के दरमियान में जो ग्रुप होता है उसमें रखना है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर मीडियल एपिकेंडाइल से ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। पेशेंट को क्या कहना है कि वो पहले अपना जो है आर्म जो है वो वॉश करके आए, ठीक है, और उसके बाद आपने पेशेंट को लिटाना है, ठीक है। आर्म को कहना है आउटवर्ड, ठीक है, उसको रोटेट करें आम को ऐसे करके लेते, ठीक है। प्रॉपर आपके पास लाइट होनी चाहिए, ट्रॉली आपके पास पहले से सेट होनी चाहिए, सारी चीज़ें आप पहले से वहाँ पे अरेंज करके रखें। आपके पास एक असिस्टेंट हो तो बेटर है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले उसने क्लीन किया हुआ है आम को, नॉन डोमिनेंट आम में रखना है, ठीक है। राइट है या लेफ्ट है वो आप पहले से देख लें क्या है, मोस्टली लेफ्ट ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो जगह है एपिकंडाइल, इससे आपने अंदाजा नहीं लिया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर ऊपर एक मार्क लगाएंगे आप, ठीक है, और उससे तकरीबन 4-5 सेंटीमीटर जितना कि वो कैप्सूल का साइज होता है एक और मार्क लगा लेंगे, ठीक है। वो आपको गाइड करेगा, ठीक है, डायरेक्शन के लिए। और बाइसेप और ट्राइसेप के दरमियान वाला ग्रुप आप फील कर लेंगे, ठीक है, उस जगह पे आपने मार्क लगाना है। साइज में ये करना होगा कैप्सूल का या नहीं? नहीं, 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मीडियल एपिकंडाइल से जो पहला मार्क है आपने 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 6-8 सेंटीमीटर, फिर उससे ऊपर आपने 4 या 5 सेंटीमीटर ऊपर एक और लगा लें, और बाइसेप और ट्राइसेप के ग्रुप में लगाना है, ठीक है। अब इस जगह ये मार्क लगाने के बाद आपने ग्लव्स पहने, एरिया को जो है वो क्लीन करें पायोडीन से, ठीक है, इन साइड से आउट साइड लें, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ड्राई करें, उसके बाद अपना पैक जो है, पैक में आप पहले कंफर्म कर लें कि इसके अंदर कैप्सूल है, ठीक है। उसको आप ऐसे ऐसे करते हैं ना तो वो कैप्सूल यहाँ पे नज़र आ जाता है, या आप पैक के अंदर ही रखते हुए इसको आप पैक उल्टा करेंगे तो आपको वाइट कैप्सूल नज़र आएगा, ठीक है। जब आप पैक खोलेंगे तो हमेशा इम्प्लानॉन को अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है ताकि कैप्सूल गिर ना जाए, ठीक है। इसके ऊपर वो कैप भी होती है ना, एक कैप भी होती है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हुए कैप को उतारना है, ठीक है। फिर आपने जो है यहाँ पे जो आपने रखा है ना, इनिशियली आपने एंकल के ऊपर नीचे आप फिंगर रखें एक, ठीक है, थोड़ा सा एंकुलेटेड, ये जो टिप है लोकल, हाँ लोकल इन्फिल्ट्रेट करना है, सॉरी वो मिस हो गया, ठीक है। आपने मार्क लगा लिया था सारा, ठीक है। उसके बाद जब आपने उसको पायोडीन से क्लीन कर दिया, उसके बाद वो जो आपके आपने दो मार्क्स लगाए थे, ठीक है, उसको आप लोकल से इन्फिल्ट्रेट करें उसी डायरेक्शन में फैन आउट करते हुए, ठीक है, उसके हर तरफ 1% लिग्नोकेन सॉल्यूशन आप यूज़ करते हैं। वैसे रूटीन में क्या होता है 2% होता है, उसको आप डाइल्यूट कर लें तो 1% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनिशियली ये 13 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 30 डिग्री का, ठीक, 30 डिग्री एंगल पर रखते हैं ये, आप एक फिंगर नीचे रखेंगे ना ऐसे प्रैक्टिकली तो ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। आपने टिप से, इसमें कोई आपने वो कट शर्ट नहीं लगाना, टिप से ही स्किन को पियर्स करना है, ठीक है, और ये सब डर्मल प्लेन में जाएगा, सब डर्मल टिश्यू में, ठीक है। उससे आपने इससे ये करना है, ठीक है, ये हो गया। जब टिप अंदर चली जाएगी इसको कहते हैं टेंटिंग, टिप से ठीक है ऊपर की तरफ यहाँ पे कर दे ताकि हम सबको नजर आ जाए। अब आ रहा है नजर ऊपर बहुत ज्यादा, ठीक है, ये किया टिप से, और अब इसको स्ट्रेट कर लेना है, इसको क्या कहते हैं टेंटिंग, ठीक है। अब स्ट्रेट बिल्कुल कर लेना, अब आगे इसको लेके जाना सब डर्मल प्लेन में ताकि ये स्किन उठी हुई हो, ठीक है, ये आगे ले गए ये पूरा, ठीक। अब आपने इसको स्टेबलाइज रखना है, सील को ब्रेक करना है, इसको रोटेट करना है 90 डिग्री पे, ठीक है, ब्रेक किया और रोटेट किया 90 डिग्री पे। सील कैसे, ये है ना, ये सील है, ठीक है, ये तब यूज हुआ है ना, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, इसको ब्रेक किया, इसको ऐसे किया रोटेट, ठीक है, जिधर मर्जी करना, इसको आप स्टेबलाइज रखें और इसको पीछे लेकर आए। कैनुला में क्या होता है, आप आगे पुश करते हैं सिरिंज में या कैनुला में, इसमें क्या, इसको स्टेबलाइज रखें और इसको पीछे लेकर आए, ठीक है, पुश नहीं करना, वो जब ये पीछे जाएगा तो कैप्सूल अपनी जगह पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गॉस पीस आपके पास होगा वो रखें और उसको निकाल लें, और फिर इसमें कंफर्म करें, इसमें नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। दूसरा, आप यहाँ से पैल्पेट करेंगे तो कैप्सूल आपका आपको फील होगा, पेशेंट को भी पैल्पेट कराएं,
ठीक है, अब इसमें क्योंकि है नहीं तो हम ये क्या गया इसके अंदर, इसमें था ये मेरे हाथ से पहले से डला हुआ होगा। ठीक है, हाँ वो ड्रॉप नहीं, सील जब ब्रेक की थी उस टाइम पे नहीं, ये देखिए इसके अंदर था ना सील ब्रेक ही, इसको ये किया ना। ठीक है, जब इसको पीछे कर रहे हैं ना तो वो तो कैप्सूल तो अपनी जगह पे ड्रॉप हो गया ना, इसको इसके अंदर था ना। हाँ ये आहिस्ता आहिस्ता जब पूरा पीछे जाएगा ना तो वो कैप्सूल आगे रह गया, उधर ही रह गया। ठीक है, अब पेल्पेट करना है आपने, खुद भी पेशेंट को पेल्पेट कराना है, फिर इस जगह पे आपने सनी प्लास्ट लगाना है नीचे, उसके ऊपर आपने ड्रेसिंग करनी है, टाइट ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, जो ऊपर वाली टाइट ड्रेसिंग होगी वो पेशेंट को कहना है 24 आवर्स के बाद निकाले, और जो नीचे वाला सनी प्लास्ट है वो 3 से 4 डेज तक लगा रहे उसके बाल उतारे, 3 से 4 डेज तक उसने गीला वेट नहीं करना। ठीक है, और फर्स्ट 24 आवर्स में उसने कोई हैवी काम भी नहीं करना। ठीक है, उस आम से। ठीक, ये दो नहीं होते इसके, वो जो डायल है ये इम्प्लानॉन है। इम्प्लानॉन जो 3 इयर्स के लिए है सिंगल रॉड है। ठीक है, जो डायल जो है वो 5 इयर्स के लिए है वो डबल रॉड है। मैडम पेशेंट का आर्म प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम ग्लव्स पहन के पैकेट को ओपन करेंगे या पहले पैकेट ओपन करके रख देंगे फिर हाफ ओपन करके रख लें साइड पे पैकेट ओपन करके? हाँ, ये अपने असिस्टेंट को कहें आपको ओपन करके दे दे, एग्जाम में असिस्टेंट तो नहीं होगा मैडम, या हाफ ओपन करके रख लेना साइड।